हेलो एवरी वन वालेकुम हो आर यू आल आई होप यू आल विल बी फाइन बाई केस ऑफ अल्लाह तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट आए हुए थे यहाँ पे फ़िफ्टी परसेंट डिस्काउंट लगा हुआ था आलमोस्ट आज कल हर ब्रांड पर फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट लगा हुआ है और हम लोग पहले ट्राउजर शर्ट देख रहे थे नाइट ड्रेसेस और वो मैं यही बात कर रही थी कि के ट्राउज़र की के प्राइस मेंशन की हुई थी और शर्ट की अलहदा प्राइस मेंशन की हुई थी वहाँ पे जो नाइट ड्रेसेस पेयर में बने होते हैं उनकी एक प्राइस होती है मतलब इकट्ठे प्राइस होती है जो भी होती है तो ये बहाल डिस्काउंट अच्छा ही मिल रहे थे लेकिन मुझे चाहिए नहीं थे और इतनी ख़ास कोई ऐसी चीज़ भी मुझे नहीं लगी कि जो एकदम आपके दिल को लगे और आप बाई कर लें जींस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी क्वालिटी अच्छी लगी थी मुझे लेकिन मेरे पास ऑलरेडी जीन्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे वैसे भी मेरी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तानी ड्रेसेस मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहनूँ क्योंकि मैं वहाँ पे जो वेस्टर्न एरिया में रहती थी तो मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिलता था शलवार कमीज कैरी करने का अच्छा जी यहाँ पे जो है वो जंपर्स लगे हुए थे बच्चों के लिए मुझे बहुत अच्छे लगे थे और इसकी प्राइस तकरीबन सेवन थाउजेंड तक की थी और जो मैंने बाय किए थे उसकी प्राइस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थी एक जंपर की प्राइस लेकिन मुझे आ, दो मिलके आ, मतलब फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट आ, मिला मुझे एक जंपर पे तो मैंने शायान और अजलान दोनों के लिए बाय कर लिए थे और वो जो आ, आपको एक प्राइस जो थी फॉर एग्ज़ाम्पल एक जम्पर जो फुल प्राइस में था वो पचहत्तर सौ में था लेकिन मुझे दोनों जो हैं वो पचहत्तर सौ में मिल गए क्योंकि फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट था लेकिन मैंने नेक्स्ट ईयर बाय करने के लिए रखा है क्योंकि अब तो विंटर खत्म हो गया और बड़े साइज़ के लेके रखे हैं क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट ईयर जो है इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलने तो इस वजह से मैंने मुझे अच्छे लगे और मैंने फ़ौरी तौर पर ले लिए कलर्स भी प्यारे थे मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो के एंड पे और यहाँ पे हम एडन रॉब आए थे और यहाँ पे इनकी कलेक्शन जो थी वो कुछ न्यू अराइवल्स थे कुछ जो खद्दर के थे वो उन्होंने फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट पे लगाए हुए थे और जो न्यू अराइवल्स थे वो फुल प्राइस में थे और लेकिन मुझे इतनी खास इनकी भी कलेक्शन नहीं लगी कोई एक आर्टिकल भी इतना प्यारा नहीं लगा और आई पता नहीं क्या वजह लेकिन ये मुझे अच्छा लगा था समर में ना इस तरह के कलर्स प्यारे लगते हैं लाइट से मतलब समर में ना आपको लाइट कलर्स पहनना अच्छे लगते हैं और सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड नाइन्टीज़ की प्राइस थी और दूसरा ये भी था कि बच्चे बच्चों को मैंने बहुत ट्राई की कि बच्चों को मैं घर छोड़ दूँ लेकिन बच्चे मेरे साथ ही आए और उन दोनों ने इतना एक तो फ़ौर उन्होंने उन्होंने कहा हमें स्वेटिंग होने लगी फिर उन्होंने शोर मचा दिया हमें प्यास लग गई है और हमें पानी पीना है हालांकि हम इवनिंग में आए थे लेकिन उनको गर्मी लग रही थी और फिर जो है उनको कई दूर शॉप से हम लोगों ने गाड़ी कहीं पार्क की हुई थी फिर हमने उनको पानी ला के दिया मतलब बच्चों के साथ ऐसे आप लिटरली शॉपिंग नहीं कर सकते और ये है कि अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप बच्चों को घर छोड़ें तो बस फिर मैंने क्या शॉपिंग करनी थी मैं इनके पीछे ही भागती रही हूँ शायद आप ये नहीं करो अजलाना आप रनिंग नहीं करो और बस इस तरह से अच्छा उसके बाद वापसी पे जो है आ, बच्चों ने शोर मचा दिया कि लेयर्स जाना है लेयर्स आपको पता है लाहौर में पहले होता था अब फैसलाबाद में भी इसकी ब्रांच ओपन हो गई है और बहुत रश था और हमेशा जब भी यहाँ पे आओ तो क्यू छोटी सी शॉप है लेकिन आ, क्यू लगी होती है हमेशा रश होता है और क्यूँ देख के तो जो है हम लोग सोचा एक जाए ना जाए फिर हमने कहा हम आ गए हैं तो हम चले जाते हैं और फिर हम लोग अंदर गए अंदर जाके जो बच्चों ने मेरे शोर मचाया लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आती क्योंकि एक तो वैरायटी इतनी थी और बच्चों बच्चों का बस नहीं चाह रहा था कि वो हर वैरायटी ले लेना मतलब कप के, केक्स और जो ब्राउनीज़ और जो है जो कुछ भी उनकी वैरायटी थी ना सारी इन्होंने अपने एक एक डलवाई है इसमें और नो no डाउट इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और लास्ट टाइम भी जब मैं लेके आई थी तो बहुत ही फ्रेश पेक केक था वो वो भी बहुत मज़े का था और इस वजह से हमने स्पेशल जाके जो है दोबारा से सारी चीज़ें बाई किएँ और बच्चों ने ना आते इसको खाना शुरू कर दिया था और बस थोड़ा सा मैंने ये फील किया है हो सकता है कि मैंने और बच्चों ने हमेशा मीठा बड़ा बैलेंस खाया है और मैंने अपने बच्चों को हमेशा ना बहुत बैलेंस वाला मीठा दिया है हर चीज़ में तो हम लोगों को ना इतनी मीठे की आदत नहीं है मतलब हमें मीठा अच्छा लगता है लेकिन बैलेंस वाला बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा हमसे नहीं खाया जाता तो पता नहीं मुझे ऐसा फ़ील हुआ आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको भी ऐसा फ़ील होता है लेयर्स की ज़बरदस्त है हर चीज़ और फ्रेशली इनकी बेकड होती है लेकिन सिर्फ ये मैंने फ़ील किया कि थोड़ा सा अगर ये मीठा अपना बैलेंस कर देना थोड़ा सा इनकी ना स्वीट ज़्यादा होती है थोड़ा सा मीठा तेज़ होता है अगर थोड़ा सा वो बैलेंस कर दे तो आई थिंक फिर जो है ना इनको टेन ओवर टेन मार्क्स मिले तो फिर भी ये कि एज़ कम्पेयर टू अदर बैटरीज जो है इनका जो है टेस्ट बहुत अच्छा है फ्रेश फीलिंग आती है जब आप खाते हैं ना तो ये थी आज की वीडियो आई होप यू लाइक इट और आपको अभी एंड पे मैं दिखाऊँगी बच्चों के जंपर्स और बच्चों के जंपर्स जो हैं वो बहुत मुझे अच्छे लगे क्योंकि आपको पता है हमेशा बाहर से लिए हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ पे आपको जो है वो कोई जम्पर्स स्पेशली जंपर्स जो है ना मुझे यहाँ के मतलब पसंद नहीं आते तो वो मुझे अच्छे लगे मैं आपको अभी दिखाती हूँ अच्छा जी ये है वो जम्पर्स जिनके बारे में मैं बात कर रही थी मैंने अपने दोनों बेटों के लिए एक जैसे लिए हैं और ये ब्रेकआउट पे फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट पे थे और जो इनकी क्वालिटी जो है जो मैं बाहर जंपर्स लेती हूँ उनसे इक्वल ही लग रही थी अब देखते हैं यूज़ करने के बाद वैसे ब्रेकआउट की लास्ट ईयर भी जो मैं बाहर शर्ट्स लेके गई थी सेट शर्ट्स लेके गई थी इस इस साल भी मैंने ली हैं तो इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी इनकी स्टिचिंग भी अच्छी है अच्छा इनकी जो स्टिचिंग है जंपर्स की वो भी बिल्कुल बाहर के जो जंपर्स हैं उसी तरह से हैं और पहन के बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे और स्टाइलिश लगते हैं अंदर स्टफ़ जो है वो इसका गर्म है अच्छा जी इसकी प्राइस है सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी नाइन और दूसरे की भी यही प्राइस है और फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट करके मुझे दोनों जो हैं वो सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी नाइन के मिले हैं अगर फुल प्राइस पे लेती तो फिर ये फिफ्टीन थाउजेंड तक बन जाने थे तो ये इसकी ये है और हुडी जो है उसके ऊपर ज़िप लगी हुई है बाहर भी इसी तरह जंपर्स में होता है कि हुडी के ऊपर ज़िप होती है अगर आप चाहें तो जब इतना विंटर नहीं रहता मतलब नॉर्मल वाला चल रहा होता है तो आप ये हुडी उतार सकते हैं ऑफ़ कर सकते हैं इसको और जब आपने इसको यूज़ करना हो तो इसको दोबारा से ज़िप लगा के आप इसको, इसको इस पर यूज़ कर सकते हैं अच्छा जी और ये जो है इसके हुडी भी बड़ी गर्म है लाइक आ, अगर आपने ये जंपर्स विंटर जो प्रॉपर विंटर होता है बच्चे ने पहन ये, ये वाला जम्पर अगर पहनना हुआ है तो हुडी अगर वो लेता है तो उसे कैप पहनने की ज़रूरत नहीं होगी अंदर से इस तरह से गर्म स्टाफ है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और यानी बच्चे को काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील होगा तो फ़िलहाल तो इसका मुझे रिव्यू पॉजिटिव ही लग रहा है और आप देखें नेक्स्ट ईयर वो यूज़ करेंगे मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए बाय किया है जो नेक्स्ट ईयर के हिसाब से थोड़ा सा साइजिंग का ये था कि नॉर्मली जो यूके में है ना बच्चों की जो एक्जैक्ट एज होती है मेरे बच्चों को वही साइज़ आता है लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया है क्योंकि थोड़ा सा ये बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा मतलब बा, बाजुओं से बड़ा था तो मैंने कहा नेक्स्ट ईयर फिर पूरा साइज़ एग्जैक्टली अच्छा आ जाएगा साइज़ ये ना हो कि मैं ले कर रखूँ नेक्स्ट ईयर जो है वो छोटे हुए हों तो इस तरह से ये दोनों सेम कलर्स के लिए हैं लेकिन साइज़ मैंने मुख्तलिफ लिए हैं और इस तरह से इनकी हॉल लुक है अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो ले सकता है जाके बहुत सारे और कलर्स और वैराइटी भी हैं इनमें एक मस्टर्ड कलर भी था और सेम प्राइजेस में ही थे आलमोस्ट इसमें नेवी ब्लू कलर भी था मेरे बच्चों के पास ये कलर्स थे इसलिए मैंने दोबारा से बाय नहीं किया तो यहाँ तक की थी आज की वीडियो अपनी दौ में याद रखिएगा टेक केयर अल्लाह बाय बाय